आज मैं बताऊंगा। दोस्तों आज हमने बागनाथ मंदिर में आपको बताएं, बागनाथ मंदिर की अपनी एक पौराणिक कथा है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और आप देखिएगा इसमें जो पत्थर लगे हैं, जो डिजाइन बनी है, जो कलाकारी है, बहुत पुरानी और बहुत अद्भुत है। बागेश्वर नगरी अपना आप पहले से ही सांस्कृतिक रूप में बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर बागनाथ जी के मंदिर की वजह से। देखिए यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम भी चल रहा है उस साइड में। डिजाइन बना हुआ है बहुत ही भव्य। देखिए आप यहाँ पर ना वो चिताएं जल रही हैं, देखिए चिता सौदा कर हो रहा है, एक चिता जल गई है, दूसरी जल रही है और आप ये मान के चलिए आसपास के लोग, जगह के सारे लोग ना यहीं पर लेके आते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा है अपनी, यहाँ पे संगम है। ये देखिए आप संगम बताएं आपको, ये आ रही है सरयू अपनी और वहाँ से आती है गोमती, उस साइड से गोमती आती है, फिर यहाँ पर मिलन होता है सरयू और गोमती का। अभी तो नदी सूखी हुई है बट जब ये अपने प्रचंड विकराल रूप में आती है तो हमने सुना है इन मंदिरों में यहाँ तक पानी आता है, ये यहाँ तक आप सीढ़ियों तक, ये ऊपर जो बना हुआ है जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ तक पूरा पानी से भरा रहता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा है अभी पूजा का कार्यक्रम और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई हो चुकी है। अभी गंगा आरती होगी नीचे नदी में और पिछले ब्लॉग में तो मैं आपको उतना ही दिखवाया था, खाली आरती दिखाई थी मंदिर की, लेकिन आज आपको गंगा आरती भी दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर तैयारियाँ होती धीरे धीरे करके। अब आप देख सकते हैं वहाँ पर आरती की तैयारी होने लगी है। अब हम भी यहाँ को जाते जरा, ये सरयू माता देख सकते हैं आप।